राइट नाउ हमारा कंट्री बहुत बड़ी कोरोना वायरस को बैटल कर रहा है, बट एवरी डे जैसे कि नंबर्स इंक्रीज कर रहे हैं, 3 लाख से ऊपर आज फिफ्थ डे है जब न्यू केसेस ऐड हो रहे हैं, वी आर नॉट गिविंग अप, वी आर फाइटिंग टुगेदर। और ऐसी रोज हमारे पास स्टोरीज आ रही हैं ऑफ पीपल जो अपना बेस्ट दे रहे हैं अपनी कम्युनिटी, फ्रेंड्स और फैमिली से ज्यादा, एक हायर लेवल पर यू नो हेल्प करने का लोगों को। आज ऐसी कुछ 3 स्टोरीज की बात करने वाले हैं। Hey guys, welcome to Mind Potion, मैं हूं नितिन। गिवन द सिनेरियो हम थोड़ा सा अलग हो रहे हैं अपने कंटेंट से, हम जनरली सक्सेसफुल पब्लिक लाइट में लोगों की बात करते हैं, आज हम बात करने वाले हमारे और आपके जैसे लोगों की, दे आर मेकिंग अ डिफरेंस, अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई कर रहे हैं गिवन द सिचुएशन, सिस्टम क्रम्बल कर गया है, पीपल हैव टू कम टुगेदर, और ऐसी अमेजिंग स्टोरीज हमारे पास रोज निकल के आ रही हैं। कोविड हीरोज नाम के हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी सीरीज, और कोविड हीरोज का आज फर्स्ट एपिसोड है जहाँ हम 3 स्टोरीज की देखने वाले हैं अबाउट पीपल हु आर ट्राइंग टू मेक अ डिफरेंस। फर्स्ट स्टोरी हमारी आती है मुंबई से, इट्स अ 31 ईयर ओल्ड गाय, शहनवाज शेख है वो, उन्होंने अपनी SUV जो फोर्ड एंडेवर थी 22 लाख की बेच दी और 160 ऑक्सीजन सिलेंडर से अपना ये स्टार्ट करा अपना पर्सनल इनिशिएटिव कि मैं एक ऑक्सीजन लोगों तक पहुंचाने का मिशन स्टार्ट करूंगा। उनकी फ्रेंड की वाइफ की जब डेथ हो गई कोविड से, दैट जस्ट रियली शॉक हिम, उन्होंने कहा वी नीड टू हेल्प पीपल और मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा। पैसे खत्म होने के बाद उन्होंने अपनी ये SUV बेचने का फैसला किया, और वाइल दे स्टार्टेड मंथ्स बैक 3 महीने पहले उनको दिन के 50 से 60 कॉल जाते थे उनको और उनकी छोटी टीम को, नाउ दैट्स जंप्ड अप टू 500 to 600 कॉल्स अ डे, और वो सारी अटेंड कर रहे हैं, सबको हेल्प कर रहे हैं, लोग खाली ऑक्सीजन सिलेंडर उनके पास, उनको ऑक्सीजन सिलेंडर्स खाली वापस कर रहे हैं एंड दे आर फिलिंग इट अप एंड सेंडिंग न्यू ऑक्सीजन सिलेंडर। सो दैट्स अ ग्रेट स्टोरी कमिंग आउट ऑफ मुंबई की, जहाँ पे लोग हेल्प कर रहे हैं, ही इज बीन एबल टू हेल्प मोर देन 4,000 पीपल टिल नाउ। सो दैट्स अ ग्रेट स्टोरी कमिंग आउट। ऐसी बहुत स्टोरीज हैं हमारे पास मुंबई में, स्पेशली महाराष्ट्र दिल्ली जैसी जगहों पर केसेस इतने बढ़ रहे हैं, वैसी इतनी एक स्टोरीज आती है रोज निकल के, दैट्स वन ऑफ द स्टोरी। ऐसी हम सेकंड स्टोरी पे जाते हैं आज की, ये है आगरा की, एंड आगरा में भगत हलवाई नाम का रेस्टोरेंट है, वो रोज खाना पहुंचा रहे हैं 120 कोविड पेशेंट्स को, डेली पहुंचा रहे हैं, उनके वॉलंटियर्स पहुंचा रहे हैं, जाकर डिलीवर कर रहे हैं। सो इनका एक रेस्टोरेंट बिजनेस है, तो उनके लिए दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, खाना बना लेते हैं, देव स्टार्टेड द सोशल इनिशिएटिव बिकॉज उनकी थॉट बहुत सिंपल है कि लोगों को अपना जब तक खाना नहीं मिलेगा टाइम पर, दे वोंट बी एबल टू टेक देयर मेडिसिन, सो हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट फूड प्रोवाइड करने वाले हैं। डिलीवरी का उनको इशू आ रहा था बिकॉज उनका डिलीवरी इतना अच्छा नेटवर्क नहीं है, बट देयर वॉलंटियर्स आर हेल्पिंग आउट डिस्पाइट द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, उनको वो जाकर डिलीवर करके आ रहे हैं, पाइपिंग हॉट फूड दे के आ रहे हैं और अच्छे कंटेनर्स में, डिस्पोजेबल कंटेनर्स में देके आ रहे हैं ताकि सेफली कोविड पेशेंट कंज्यूम कर पाए, अपनी मेडिसिन ले पाए और अपना डिस्पोज करके साइड में कर पाए। सो अगेन दैट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव, वो सिर्फ वीकडेज पे अभी कर पा रहे हैं बिकॉज वीकेंड्स पे लॉकडाउन लगा हुआ है आगरा में, बट वो ई पासेस के लिए ट्राई कर रहे हैं ताकि वीकेंड्स पे भी कर पाए। सो अगेन आप देखोगे अपने बिजनेसेस को लोग कितने अच्छे से यूज कर रहे हैं कि जहां भी कर सकते हैं अपना सोशल फुटप्रिंट मारे, सारी कम्युनिटी को हेल्प करें बिकॉज सबको आसपास दिख रहा है कि द सिस्टम इज नॉट एबल टू हैंडल, सिस्टम का लैक ऑफ प्रिपरेशन बोलेंगे हम, बट अभी क्रम्बल कर गया। और इसी से हमारी थर्ड स्टोरी में जाते हैं, अगर सिस्टम राइटली हैंडल किया जाए तो कैसे हो सकता था। हमारे पास महाराष्ट्र की एक डिस्ट्रिक्ट से एक स्टोरी आती है आज, एंड ये स्टोरी है महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट नंदुरबार की, वहाँ पर जो कलेक्टर है डॉक्टर राजेंद्र भरूड़, उनकी अमेजिंग प्लानिंग से आप देखोगे कैसे ही इज एबल टू हैंडल इट सो वेल कि आज की डेट में वहाँ पे 150 खाली बेड्स हैं उस जगह पे, एंड देर इज इनफ ऑक्सीजन 2400 लीटर्स पर मिनट जो जगह बना रही है 16 लाख की पॉपुलेशन की। इतनी अच्छी प्लानिंग कैसे हुई, थोड़ा सा हमें पीछे देखना होगा, सितंबर में जब केसेस पहली बार गिरने शुरू हुए पूरा कंट्री रिलैक्स कर गया, वहीं से हम सिस्टम के इशू की बात करते हैं कि पूरा कंट्री ने रिलैक्स ले लिया कि अब तो केसेस गिर रहे हैं, इट्स फाइन, बट दे डिड नॉट गिव अप। तो वहाँ पर कलेक्टर ने ऐसे गिव अप नहीं किया सबकी तरह कि अब अपने आप धीरे धीरे गवर्नमेंट ने जैसे बोला सब ठीक हो जाएगा, उन्होंने वहाँ पर पहला ऑक्सीजन प्लांट लगवाया, 85 लाख रुपीज़ भले ही लगे उन्होंने मेक श्योर किया कि सारे फंडिंग वगैरह से कलेक्ट करके डिस्ट्रिक्ट के उन्होंने यूज़ करके वहाँ पर पैसा लगाया, एंड वो उसके बाद भी काम करते रहे। तो वहाँ पर जैसी जगह में जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, आप खुद सोचिए एजुकेशन जीरो है, तो जब जानवी से वैक्सीनेशन भी स्टार्ट हुई वहाँ पे लोगों को कन्विंस करना वैक्सीनेशन के लिए इज अ ह्यूज थिंग, बहुत इजी नहीं रहेगा वहाँ पर, बट ही यूज इज नेटवर्क ऑफ वहाँ पे सारे सरपंचेस टीचर्स के थ्रू लोगों तक बात पहुँचाई, और 45 ईयर ओल्ड प्लस वहाँ पे 3 लाख लोग हैं जिनमें से मोस्ट को अब वो वैक्सीनेट कर चुके हैं। बेड्स बढ़ाते रहे कंटिन्यूसली, मेक श्योर किया कि ऑक्सीजन की इनफ सप्लाई रहे। मार्च में सेकेंड उन्होंने अपना प्लांट खोला और जैसे ही केसेस बढ़ने शुरू किए आप देखोगे कि अब वो तीसरा प्लांट भी खोलने जा रहे हैं कि वहाँ पे 3000 लीटर्स पर मिनट का बनता जाए। सो दैट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। आप देखोगे अगर कोई भी रिलैक्स ना हो इस सारे टाइम में और एंटीसिपेट करता कि आगे जरूरत पड़ेगी तो वो इस डिस्ट्रिक्ट की तरह हैंडल कर सकता है। अभी आप वहाँ डिस्ट्रिक्ट में देखो तो इनफ सप्लाईज हैं, रिसोर्सेज अच्छे हैं, 1200 डेली एक्टिव केसेस, इट्स गॉन डाउन टू 300, एंड दैट्स जस्ट ग्रेट वर्क एंड प्लानिंग डन बाय हिम। ऐसा ही काश हमारे सिस्टम ने नेशनल स्केल पे किया होता या स्टेट लेवल्स पे किया होता,
बट इट इज वॉट इट इज गिवन द सिचुएशन. वी सी द हेल्थ इंफ्रा क्रम्बलिंग डाउन, बट आप हर तरफ देख रहे होंगे सोशल मीडिया में भी पीपल आर हेल्पिंग ईच अदर आउट. आज की भी हमने तीन स्टोरी से यही बात करी कि लोग अपने में ट्राई कर रहे हैं, आपसे भी जितना मैक्सिमम हो सकता है, अपने फ्रेंड्स फैमिली के बियॉन्ड भी अगर आप हेल्प कर सकते हैं लोगों को इन एनी विच वे, मे बी जस्ट एम्पलीफाइंग मैसेजेस ऑन सोशल मीडिया जो हम सब कर ही रहे हैं, दैट कैन बी अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट. यहीं से हमारी आज की लर्निंग ऑफ द डे आती है. और आज की लर्निंग ऑफ द डे बहुत ही सिंपल है, वेयर देयर इज यूनिटी देयर इज विक्ट्री. इंडिया के लिए आई थिंक ये बहुत ही हमारा एंशिएंट टाइम से ही बात रही है, बिकॉज हमारे यूनिटी एंड डाइवर्सिटी कल्चर का ही पार्ट है. हम इतने अलग अलग लोग हैं, ऑलवेज कम टुगेदर टू अकॉम्प्लिश समथिंग. अभी तो हम बहुत बड़े क्राइसिस के थ्रू जा रहे हैं, इट्स द बिगेस्ट टाइम जब हमें एक दूसरे की ज़रूरत है. और यहीं से एक डॉक्टर ने हमें जो बहुत सिंपली बात बताई है, वी कीप हेयरिंग दिस बट इट्स इंपेरेटिव कि हम रिपीट करें, हम उसी मैसेज के साथ आपको छोड़ जाएंगे अगले हफ्ते जब तक कोविड हील हो जाए. तब तक के लिए उस मैसेज को याद करके फॉलो करिएगा. तब तक हमारा बहुत सिंपल मैसेज है, अगर आपको पसंद है हमारा कॉन्टेंट लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए. हम हर वीकडे ऐसा कॉन्टेंट लाते रहते हैं. तब तक के लिए मास्क पहने रहिए, स्टे सेफ, और याद रखिएगा माइंड का पोषण जरूरी है, इसलिए माइंड पोषण जरूरी. This is Nathan signing off. आपको अभी एक साल से कोरोना नहीं हुआ है या आपको पिछले साल कोरोना होकर जा चुका है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वापस कोरोना नहीं हो सकता. You can still get COVID. तो please keep yourself very well masked at all times. मास्क सिर्फ इधर नहीं, मास्क पूरा नाक से पूरा यहां तक होना चाहिए.